सर मेरा नाम गारू सिंह है। सारे को पहला सारे की जय हिंद। सर आज दी जिहड़ी साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस करिए क्योंकि लगभग 80 दिन होइए सानू इत्थे बैठे दे, प्रशासन जिहड़ी साड़ी बिल्कुल नहीं सुनवाई नहीं करा दा। असें हर एक तरीका अपनाया, हर एक तरीके कन्नै उन्हें सुनवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें साड़ी गल बिल्कुल नहीं सुनी। असें कल तू हंगर स्ट्राइक रखी दी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, लेकिन कुसै कारण वजह असें वह डिले करी ओड़ी और अज कीती है। साढ़े च 10 भरा ऐसे ने जिन्हें बिल्कुल हंगर स्ट्राइक की टिल डेथ तक, और अगर एदे विच इन्हें कुछ हुंदा है ओदे जिम्मेवार सरकार प्रशासन होगी जां ओ लोग होणगे जिन्हें साढ़े कन्नै वादा किया। 80 दिन दे बच्चे बैठे ने, इन्दे कन्नै बिल्कुल जूं नहीं रेंगा करदी। इन्हें पता होना चाहिए कि इन्दे ऑफिस के बाहर बैठे करते हैं, प्रशासन ने बिल्कुल साड़ी सुनवाई नहीं की। असें हर एक तरीका अपनाया और जम्मू का जेहड़ा यूथ जिन्हें भी सानू देखा करते हैं उन्हें यह बड़ी हथ जोड़ी अपील है कि प्लीज साड़ी सुनवाई की, साड़ा सपोर्ट की जा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर अज साढ़े कन्नै धक्का करदे ने, कल तुंदे कन्नै भी करनगे। 80 दिन बैठे ने, साड़ी सुनवाई नहीं की, कियां तो सोची सकते हो कि साड़े कन्नै कर रहे होंगे, कियां सानू साड़े कन्नै बिहेव कर रहे होंगे। डिमांड की है और सारी डिमांड ए है लास्ट सरकार का कि जेडी जिन्हें भी बच्चे मेडिकल फिट जेडे बच्चे ने उन्हें ज्वाइनिंग दी जा, ज्वाइनिंग दो, नहीं तो अपने पद पर इस्तीफा दो, क्योंकि 200 लोग अपने उस पोस्ट पर बैठने के काबिल नहीं हो जिन्हें पर तुम लोगों बालिया गया। थैंक यू सर। नाम संतोष कुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। सो एस्पायरेंट हूँ बीएसएफ सीआईएसएफ की। तो आज आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट 3 महीने होने जा रहे हैं हमारे स्ट्राइक पर यहाँ पे, जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो आज हमारा ये फाइनल डिसीजन ये है कि हम सब जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं टिल डेथ, जब तक हमारी जो है डिमांड्स जो है भारत सरकार सुन नहीं रहती है, तो तब तक हम हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। सो हमने सबसे पहले भी बोल दिया है, हर एक मीडिया ने कवरेज कर लिया है कि हमारी एक ही डिमांड है, हमें बीएसएफ सीआईएसएफ को ज्वाइनिंग दी जाए, जितने भी ऑल मेडिकल फिट हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक जितनी भी रूलिंग पार्टी ने स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक जो है हमें हमारा जो वादा हमसे जो किया था वो पूरा कर दिया जाए। सो मैं सेंट्रल सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी प्रोसीजरली हमारे से जो भी काम करवाया है या जितने भी टेस्ट हमारे से पास करवाए गए हैं, और आप भी प्लीज़ अपना जो प्रोसीजर है, अपना जो काम है इसका ज्वाइनिंग का, वो फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। सो थैंक यू सो मच।